सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और बेल आइकन को दबाएं माई स्मार्ट ट्रिक के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, माई स्मार्ट ट्रिक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनसे आपके बाइक की माइलेज बढ़ जाएंगी। जी हां दोस्तों, पेट्रोल की कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में ग्राहक बढ़िया माइलेज देने वाली बाइक को लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन कई कारणों से कुछ दिन बाद उस बाइक का माइलेज कम हो जाता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे आसान से टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपने बाइक का माइलेज बढ़ा सकते हैं। इन तरीकों से आपकी बाइक पेट्रोल की खपत कम करेगी, फलस्वरूप उसका माइलेज बढ़ेगा और व्यर्थ में खर्च हो रहे पैसे भी बचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका है दोस्तों, टायर्स में एयर प्रेशर हमेशा चेक करवाते रहना। टायरों में एयर प्रेशर का बाइक के माइलेज पर बहुत फर्क पड़ता है और यह 10-15% तक कम हो सकती है, इसलिए टायरों में हवा हमेशा उचित प्रेशर में रखी जानी चाहिए। दूसरा तरीका है दोस्तों, बाइक की चैन को हमेशा सही टेंशन में रखें। जी हाँ दोस्तों, चैन ढीली होने से इंजन का पावर टायरों तक पूरी क्षमता में नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते बाइक का माइलेज कम हो जाता है, इसलिए बाइक की चैन हमेशा टाइट रखें। तीसरा तरीका है दोस्तों, पेट्रोल भराते समय सावधानी। जी हाँ दोस्तों, बाइक में पेट्रोल विश्वसनीय पेट्रोल पंप से ही भरवाएं, क्योंकि इंजन घटिया पेट्रोल की खपत ज़्यादा करता है, फलस्वरूप माइलेज कम हो जाता है। चौथा तरीका है दोस्तों, गाड़ी की ट्यूनिंग एकदम सही रखें। जी हाँ दोस्तों, कई मैकेनिक परफॉर्मेंस दिखाने के चक्कर में इंजन के कार्बोरेटर की ट्यूनिंग ज़्यादा कर देते हैं, जिससे कि इंजन में पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है। ऐसे में अपनी बाइक के इंजन ट्यूनिंग किसी विश्वसनीय मैकेनिक से ही करवाएं। पांचवा तरीका है दोस्तों, बाइक को सही लय में ही चलाएं। जी हाँ दोस्तों, आपकी बाइक का माइलेज कई हद तक आपकी राइडिंग स्टाइल पर भी निर्भर करता है। बाइक को ज़रूरत से ज़्यादा और बार बार दौड़ाने पर उसका माइलेज कम हो जाता है, इसलिए बाइक को ज़्यादा दौड़ाने की बजाय सही स्पीड और एक ही लय में चलाएं। छठा तरीका है दोस्तों, लंबे ट्रैफिक सिग्नल पर बाइक को बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, बाइक पर चलते समय सड़क पर यदि ट्रैफिक सिग्नल लंबे समय का है तो इंजन बंद कर दें, इससे फालतू में खर्च हो रहे पेट्रोल की बचत होगी और बाइक का माइलेज भी बढ़ेगा। सातवां तरीका है दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल पर जोर से ब्रेक ना लगाएं। जी हाँ दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल पर अचानक से लाल बत्ती होने पर बाइक को तुरंत रोकने के चक्कर में जोर से ब्रेक लगाने से भी माइलेज कम होता है, क्योंकि इससे इंजन पर दबाव पड़ता है और पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है। इसके अलावा सिग्नल ग्रीन होने पर सबसे पहले आगे निकलने के चक्कर में बाइक का एक्सेलरेशन खींचकर नहीं दौड़ बल्कि ट्रैफिक के अनुसार सही स्पीड में बाइक को चलाकर आगे बढ़ाएं। आठवां तरीका है दोस्तों, बाइक में बार बार ब्रेक नहीं लगाएं। जी हाँ दोस्तों, बाइक चलाते समय बार बार ब्रेक नहीं लगाएं, ऐसा करने से बाइक का माइलेज कम होता है। यदि बाइक की स्पीड कम करनी है तो जोर से बार बार ब्रेक लगाने के बजाय उसका एक्सेलरेशन कम कर दें, साथ ही बाइक को लिमिट से कम अथवा ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चलाना चाहिए, इससे भी माइलेज में इजाफा होगा। नौवां तरीका है दोस्तों, बाइक को सही गियर में चलाएं। जी हाँ दोस्तों, बाइक हमेशा सही गियर में चलाएं, क्योंकि इससे आपकी बाइक के माइलेज पर फर्क पड़ता है। बार बार गियर बदलने के बजाय उसे एक और सही गियर में चलाने की कोशिश करें। दसवां तरीका है दोस्तों, पेट्रोल हमेशा सुबह अथवा शाम के समय ही भरवाएं। ये दोस्तों, दिन के समय गर्मी होने पर पेट्रोल का आयतन ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसकी मात्रा कम हो जाती है, इसलिए बाइक में पेट्रोल सुबह जल्दी अथवा शाम के समय ही भरवाएं। ऐसा करने पर पेट्रोल पूरी मात्रा में आएगा और आपके बाइक की माइलेज भी सही हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।